हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी फूड विला। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो बर्फी। देखिए, यह देखने में बहुत ही अच्छे डिलीशियस लग रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोज में आपको बोला था कि मैं अपने आने वाले वीडियोज में आपके लिए मैंगो के और भी काफ़ी सारे डिशेस लेकर आऊँगी। सो स्पेशली आप सबों के लिए मैंगो बर्फी। यह बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगता है बनाने में, आप घर पर इजीली बना सकते हो और बहुत ही अच्छा स्वीट रेसिपी है यह, और यह बहुत ही कम समय में आसानी से बन भी जाता है। इसके लिए मैंने दो पके हुए आम लिए हैं जो काफ़ी मीठा है, एक कटोरी बेसन, 100 ग्राम चीनी, 10 पीस बादाम, 7 पीस पिस्ता। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने मैंगो को अच्छे से धुल लिया है और एक चाकू की सहायता से अब हम इसका छिलका हटा लेंगे। ये बहुत ही आसानी से हट जाते हैं। ध्यान रहे कि जिस आम का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें रेशा नहीं होना चाहिए। अगर उसमें रेशा है तो आप प्यूरी बनाने के बाद उसको अच्छे से छान लें ताकि उसका रेशा अलग हो जाए और हमारा डिश खराब ना हो। देखिए, ये आसानी से हट जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि आपको मेरे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, तो शायद आपने अभी तक मेरे चैनल में जाकर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है। तो प्लीज़ आप उसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अब मैं छिले हुए आम का टुकड़ा कर रही हूँ, इस कदर से आप कर सकते हो। देखिए, बहुत ही आसान है। मैंगो के सारे मैंने टुकड़े कर लिए हैं, अब मैं इसे ब्लेंडिंग जार में डाल रही हूँ ताकि इसका एक स्मूथ प्यूरी तैयार कर सकूँ। यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, मैंगो में ऑलरेडी पानी होता है। तो चलिए इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अब हम एक पैन गर्म कर लेंगे और उसमें बेसन डालेंगे। कच्चे बेसन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसे लो फ्लेम पर एक मिनट तक भून लिया है। और यहाँ मैंने घी या बटर का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो इसे भूनने में, उससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। बस इसका हल्का सा कलर चेंज करने तक भूनना है। कुछ इस तरह का बेसन हमें चाहिए होगा। देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है और अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और फिर से पैन गर्म करके जो मैंने मैंगो प्यूरी तैयार किया था उसे डाल लूँगी। सभी को अच्छे से डाल लिया मैंने। देखिए, आपका पेस्ट स्मूथ होना चाहिए, वो मोटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखने के लिए और उसके नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल में जाकर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट्स, सजेशन जो भी आपको देना हो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे भेजते रहें प्लीज़। यहाँ पर मीडियम फ्लेम करके हमें 2 मिनट तक मैंगो प्यूरी को
भून लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। देखिए ये अच्छे से बॉईल हो रहे हैं और इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज होने लगा है जैसा मुझे चाहिए। और अब हम इसमें भुना हुआ बेसन डालेंगे और इन्हें अच्छे से प्यूरी के साथ मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो प्यूरी को ठंडा करके भी बेसन डाल सकते हो, अच्छे से मिला सकते हो ताकि उसमें कोई लम्स ना पड़े। और आपने अगर गर्म प्यूरी का इस्तेमाल किया है तो जल्दी जल्दी उसे चलाकर मिक्स करें ताकि लम्स ना आए। और कुछ इस तरह का पेस्ट हमारा तैयार हो गया है, मैंगो प्यूरी और बेसन का, और यह ठीक हो गया है। इसी तरह का मुझे चाहिए। और अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ। सॉरी, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में दिखाना भूल गई थी। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और एक प्लेट में घी लगाकर इसको डाल लूँगी ठंडा होने के लिए। और कोई भी आप उसे शेप दे सकते हो हाथों की सहायता से। देखिए मैंने यहाँ स्क्वायर का शेप दिया है। और अब मैं इसमें अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स डालकर इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो काजू, किशमिश, पिस्ता, कोई भी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद एक चम्मच की सहायता से हल्के हाथों से इन्हें प्रेस कर लेंगे ताकि जो मैंने ड्राई फ्रूट्स डाला है वो अलग ना हो, वो इसमें अच्छे से चिपक जाए। ध्यान रहे हल्के हाथों से, नहीं तो चम्मच में इसका पेस्ट चिपक सकता है और उसका शेप खराब हो सकता है। देखिए दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और बहुत इजी भी हैं। और इसे 2 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में ठंडा कर लिया है और यह सेट हो गया है। अब हम इसे एक तेज धार वाले चाकू की सहायता से काटेंगे। काटने टाइम आप ध्यान रखें, यह थोड़ा चिपचिपा होता है इसलिए आपको काटने में असुविधा हो सकती है। तो पहले इसे अच्छे से आप सेट हो जाने दें, उसके बाद फिर इसका पीस बनाएं। आप चाहो तो प्लेट में बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि इसके पीसेस करने में आपको इजी हो। और यह मैंने इसे बर्फी के शेप में काटा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।